इतनी बड़े YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे खेत में पानी चल रहा है। ये हमारे गांव के हैं, ये पानी दे रहे हैं, ये अपनी मोटर चल रही है। देख सकते हैं इधर को पानी हो गया है, इधर को फसल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर हम पानी नहीं देते तो अभी एक बीघा में हम 12 या 14 क्विंटल निकालते हैं। अगर पानी ना दें तो हमारा अप्रोक्सन निकलेगा मात्र 5 या 6, 6-7 के क्विंटल पर बीघा का चढ़ेगा। उसको देश को बहुत नुकसान है उससे। अगर पानी नहीं देंगे तो सिर्फ जितना निकलेगा वो उसमें हम हमारा ही खा पाएंगे, अदरवाइज़ शहरों में आप लोगों की तरफ नहीं जा पाएगा, तो आपको भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी। कैसे के अनाज कम निकलेगा तो अनाज अकेले तो खाते नहीं है, अदरवाइज़ चीज़ें भी चाहिए हमें, तो हम फिर बेच भी नहीं पाएंगे, तो फिर रोटी रोटी में कैसे तैर करेंगे। इसलिए पानी देना ज़रूरी है फसल में अगर अच्छी उपज चाहिए है तो। और उसके लिए एक मोटर हमारी ये चल रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ उधर एक बरेदी लगा हुआ है, उधर मैं दे रहा हूँ पानी, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप मेहनत, ये मान लो मैं रात को उठ के आ नहीं पाया इसलिए बहुत सा पानी रह गया। मैं लगभग 3:30 बजे रात को उठ के आया था और पाइप लगा के चला गया था। आप देख सकते हैं ऐसी सर्दी पड़ रही है और खेतों पे पानी देखने आना पड़ता है, क्या करें। आप लोगों के लिए भी पहुंचाना है और हमें हमारी ज़रूरत भी पूरी करना है। अब इसका हमारे ज़रिए सबका ही रिस्क जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि खेती बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अगर आप खेती में मेहनत नहीं कर सकते तो आप ना खेती से कुछ निकाल सकते ना दूसरों को पहुंचा सकते, इससे देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही, 110% होगा, देख सकते हैं। और अभी हम इसमें यूरिया फेंक चुके हैं पानी से, पानी शुरू करने से पहले हमने यूरिया फेंक दिया था। और आप देख सकते हैं ये पीले स्पॉट दिख रहे होंगे आपको, ये क्या हुआ था कि थोड़ा पानी लेट हो गया। यूरिया मैंने 8 दिन पहले डाल दिया था और जो कि खेत का रकबा बड़ा है और लाइट परेशान कर रही है, कल ये मान लो 4 घंटे लाइट नहीं आई, बहुत लॉस हो गया काम का। इससे हम 4 दिन पीछे हो गए क्योंकि जितना लेट होंगे उतना पीछे जाएंगे। इस चक्कर में अब हम क्या कर सकते हैं, लाइट ही नहीं आई, तार वार टूट गया था। और पानी हो जाने के बाद कल लगभग हमारे ये पूरे खेत में पानी हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये हमारे खिड़का कोना है, बाकी काफ़ी लंबा एरिया है, देख सकते हैं आप। ये मेड़ मेड़ है जो हमारी आपको दिख रही है, काफ़ी लंबा एरिया है और दिख रहा होगा आपको जो पाइप लगा हुआ है, ये हमारा बोर जिससे पानी आ रहा है, देख सकते हैं आप। मैं ये पाइप लेके जा रहा हूँ और अब आपको क्या बताऊं, देख सकते हैं आप पाइप लेके जा रहे हैं और ये ला के हमने पाइप रख दिए। तकरीबन 5 पाइप में लेके आया था और ये हमारी मोटर के तार डले हुए हैं यहाँ से, ये हमारा आपको बोर दिख रहा होगा। एक वहाँ पे वो लड़का पानी दे रहा है, 2 मोटरें चल रही हैं, काफ़ी पेनफुल काम है ये, खेती करना सबकी बस की बात नहीं, देख सकते हैं। ये हमारे गेहूँ पूरे खेत में है, देख सकते हैं। और चलो बाकी के पाइप भी उठा के लेके आते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब लगभग 6:06 हो गया है और लाइट जाने ही वाली है, लगभग 6:15 पर चली जाती है। तो देख सकते हैं इस टाइम कितनी सर्दी का माहौल है, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। यही इसी को कहते हैं खेती, कि इतनी मेहनत से अनाज उगाया जाता है। आप देख रहे हैं क्यों लीटर पानी जा रहा है, मगर
यही पानी अपन के लिए 20 रुपये लीटर मिलता है, वो भी उनके प्राइस होते हैं। और आप ही अब तय करें, आप ही सोचें कि लगभग हम इतनी मेहनत से का जो अनाज उगाते हैं उसका रेट गेहूं का 1 रुपये 1 किलो का मैक्सिमम 19 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार तय करती है। अब आप बताएं, एक इतनी सी मिनरल बॉटल का पानी 1 लीटर सिर्फ 20 रुपये का, और हमारा गेहूं अब पिछली साल हमने 1400 रुपये बेचा था, बताओ साहब। ये इसी का नाम है खेती। तो हमारा जाने का टाइम हो गया है, हाथ पर धोलें फिर जाएंगे, अब लाइट भी जाने ही वाली है। पैर धुल चुके हैं और काफ़ी सर्दी लग रही है और लाइट भी चली गई। ये मान लो 7 मिनट पहले ही लाइट चली गई।